नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो साइंस और जनरल अवेयरनेस से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, जो दोस्तों बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को दोस्तों इस वीडियो में शामिल किया हूँ। इसलिए दोस्तों, आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे, और जिन प्रश्नों को दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट भी करते रहिए, और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जान मेंडल को दोस्तों आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो कहां दिया है ग्रेगर जान मेंडल, तो यहां पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मेंडल, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। हीलियम दिया है, नियान दिया है, आर्गन दिया है, ऑक्सीजन दिया है। किसके अलावा पूछ रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है। चारों ऑप्शन को पढ़िए और सही आंसर आप क्या कमेंट करिए, क्या सही आंसर इसका होगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मार्बल कैंसर क्या है दोस्तों, अम्लीय वर्षा है जो मार्बल का क्षरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तांबा दिया है, लोहा दिया है, एल्युमिनियम, चांदी, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट भी करना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा चांदी। चांदी दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि बहुत ही अच्छा चालक है। चांदी के बाद किसका नंबर आता है दोस्तों, तांबा का आता है, तांबा के बाद सोना का आता है, सोना के बाद एल्युमिनियम का आता है। ठीक है, तो ये चांदी पहला हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा दोस्तों, तांबा, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा हूं। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुव रेखा पर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, सही हो जाएगा, ध्रुव रेखा पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है, कितना होता है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम लवण के निर्जलीकरण से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आठवां क्वेश्चन दोस्तों, आठवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, साइलेंट वैली स्थित है, साइलेंट वैली स्थित है, कहाँ है दोस्तों साइलेंट वैली। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ठीक है, इसे भी दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, क्या है, बुद्ध चरित है कि सूत्र पीटक है कि अभिधम्म पीटक है कि विनय पीटक है। ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट भी करना है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूत्र पीटक। यह प्रश्न मैं पिछले वीडियो में भी कराया हूं, ठीक है, तो इसलिए याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दसवां क्वेश्चन है, मोरेन कहाँ बनते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म है, IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म है, किसकी किस्म है, गेहूं की है कि बाजरा की है कि ज्वार की है कि धान की है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा, धान की। ठीक है, इसे दोस्तों आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है।
चुका है। और यही सब दोस्तों क्वेश्चन क्या होते हैं, परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों सभी प्रश्नों को खूब अच्छे से याद करते हुए, जिन प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, नहीं याद हो रहा है, तो उसको नोट्स बना के रखिए दोस्तों। उस नोट्स में क्या करिए, नोट कर लिए सारे प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12वां क्वेश्चन है, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौली के निकट। ये धौली कहाँ है दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अनुच्छेद 81 यानी 81 के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत के अस्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है, तो क्या नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री नाम है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 15वां क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है दोस्तों उनके लिए बता दूं, दोस्तों आपके लिए पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ईबुक आई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद दोस्तों आपको बताता हूं 15वां क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की बुक है, आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, यूपी त्रिवल एससी की एग्जाम देंगे, या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको 10 practice set + 10 one-liner set मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरी लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम रहेगा, तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न रिपीट होते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशन इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने पर दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू इस ईबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में ही डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे, ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया, इस नंबर पर आप कॉल करके दोस्तों बात भी कर सकते हैं। दोस्तों इस ईबुक को मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, 15वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, ताजमहल में, लाल किला में, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में, यानी कि सिकंदराबाद में। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करना है, ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 16वां क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं, डाट 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 कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नेहक कहलाते हैं, ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं स्नेहक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था, क्यों किया था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 18वां क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही हो जाएगा, ठीक है, आप कमेंट भी करते रहिए। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था, तो वो आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19वां क्वेश्चन है, और दोस्तों आपको बता दूं, अगर दोस्तों इन सब प्रश्नों को आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जहां दोस्तों मैं समय समय पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता रहता हूं, और सारे वीडियो की लिंक भी आपको वहां से मिल जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखिए, 4 इसमें राज्य दिए गए, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल की कितना है दोस्तों, तो 92.1% केरल का महिला साक्षरता दर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन, ठीक है, और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी के अंतर्गत, ठीक है, सेबी के द्वारा किया जाता है भारतीय स्टॉक बाजार या विनियम का पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है, इसे आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा। प्रश्न क्या है देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिख रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है और उस ऑप्शन को क्या करना है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही होगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और किस नदी पर दोस्तों ये निर्मित है तो ये भी याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर निर्मित है, ठीक है, भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध है, ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे आप दोस्तों जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं दोस्तों, आप उस चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों दोस्तों मैथ के वहां जब आपकी सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों, आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको दोस्तों थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उस चैनल पर जरूर जाए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। देखिएगा दोस्तों, 24 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? तो उसका दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, कमेंट भी करना है, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत के में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, ये सब प्रश्न आपको दोस्तों अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो उस ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब दोस्तों लिखा होगा, वहां पे आप क्लिक करके दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए, और बगल में दोस्तों बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, यानी आप तक मैसेज जाएगी अगर जो आप सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।